بسم الله الرحمن الرحيم। और याद रखो मेरे दोस्तों, जब ईमान की बरकतें फैलती हैं तो उसका हिस्सा खाली ईमान वालों को नहीं मिलता, बल्कि ईमान वालों के लिए तो है ही और दूसरों को भी मिल जाता है। जैसे आपने एक सायादार दरख्त लगाया हो और वो सायादार दरख्त लग गया, अपनी उम्र को पहुंच गया, अब वो साया डालता है, तो उस साये से आप फायदा उठाओ, आपके जानवर फायदा उठावे, दोस्त दुश्मन जो भी आवे उसे साये की ठंडक मिलेगी। कोई कैद नहीं है कि जिसने लगाया है उसी का है कि ना, साया सबके वास्ते। ऐसे ही ईमान के फैलने से और ईमान के अमल के फैलने से जो हालात में खैर आएगी, क्योंकि इसका हिस्सा सबको मिलेगा, इंसानों को, जानवरों को, सबको। जी हाँ, मगर इसका दारोमदार ये इन दरख्त लगाने वाले पर है कि दरख्त लगावे पहले। साया सबके वास्ते और दरख्त का फल के वो फल तो लगाने वाले के लिए है और किसी का उसमें हक नहीं है। अगर वो किसी को तोड़ के खिलावे तो ठीक है, वरना किसी को लेने का हक नहीं है, वो उसी का अपना है। ईमान का जो मेरे दोस्तों नतीजा आएगा वो तो इसके लिए है, लेकिन ईमान से जो बरकत फैलेगी जमीन पर उसका हिस्सा इंसानों को, जानवरों को, सबको मिलेगा, क्योंकि वो बरकत के तौर पर दिया गया है। अल्लाह ताला शानहू बरकत देते हैं ईमान की वजह से, और जब अल्लाह ताला बरकतें देगा तो दुनिया आसान बन जाएगी। हाँ, और जब अल्लाह ताला बरकतें छीन ले, खाली असबाब दे, तो वो असबाब बोझ बन जाएंगे। ये अल्लाह की सुन्नतें हैं जो हमें समझनी है। अल्लाह असबाब नहीं छीनते, असबाब रहने देंगे, रखो अपने पास, लेकिन उसकी बरकतें खींच लेंगे। तो ताजिर पर तिजारत बोझ बन गई, जमींदार पर जमीन बोझ बन गई, अला हाज़ल क़ियास, ऐसी हर शक्ल कि जब अल्लाह उसमें से अपनी बरकतें खींच लेंगे नाराज होकर के, तो ये असबाब के मालिक हैं और उसकी वजह से इनकी जिंदगियां बोझल और तंग हो रही है। ये लिखा उलमा ने किताबों में कि अल्लाह ताला दुकान नहीं छीनेंगे, कारोबार नहीं छीनेंगे, उसकी बरकत छीनेंगे। अब वो कारोबार बोझ बना हुआ है, वो जमीन बोझ बनी हुई है, वो औलाद बोझ बनी हुई है, वो नक्शे बोझ बने हुए हैं, न निकल सके न उगल सके, क्या करें। और देंगे खूब, लो, और ताल्लुक नहीं है अल्लाह का और अल्लाह को भी ताल्लुक नहीं है, तो अल्लाह बार दफा बढ़ा देते हैं कि लेते रहो। ये अल्लाह की एक सुन्नत अजीब है। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला की सुन्नतें, अल्लाह ताला की कुदरतें जो अपने बंदों के साथ हैं, उसको समझना और उसके मुताबिक अपने आप को चलाना, ये ईमानी जिंदगी है जो जमीन पर बरकत लाती है। और ये बिल्कुल हक बात है, ये नहीं कि बनावट या जहन की बातें हैं, ऐसा नहीं है। कुरान और हदीस साफ साफ बतावेगा कि जब ईमान वालों का ताल्लुक अल्लाह ताला से सही हुआ कि फिर खैर के दरवाजे खुल जाएंगे। हाँ, हालात की बेहतरी का ताल्लुक चीजों से नहीं है, हालात की बेहतरी का ताल्लुक तो हुक्मों पर अमल करने से है। इसलिए हुक्मों पर अमल करने की तासीरें बताई हैं। हदीसें पढ़ेंगे तफसील से तो ये बात बताई जाएगी कि एक एक अमल अपने अंदर तासीर रखता है, और वो तासीर वादे में है, तजुर्बे की बात नहीं है कि हमारा तजुर्बा है कि तुम्हारा तजुर्बा कुछ नहीं है, तजुर्बे करने क्या बात है, ये तो गैबी चीज है, तबीई चीज नहीं है, तबीई चीजों के तजुर्बे किए जाते हैं, ये तो गैबी चीजें हैं, इसका ताल्लुक तजुर्बों से नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक तो नबियों की खबरों से है और अल्लाह के वादों से है कि ईमान पर इज्जत देंगे, अल्लाह ताला ईमान पर इज्जत देंगे। अगर ईमान सही माने में पैदा हो गया जिंदगी में कि अल्लाह पाक इस ईमान से इन्हें इज्जत देंगे,
ایمان کی تاثیر ہے عزت کا ملنا, اور ایمان بگڑ گیا کہ پھر ذلت آئے گی. عزت کا تعلق چیزوں سے نہیں ہے, عزت کا تعلق عہدوں سے نہیں ہے, مرتبوں سے نہیں ہے, ایمان سے. جو لوگ ایمان کی حقیقت کو سمجھے وہ سمجھے کہ عزت کا تعلق فقط ایمان سے ہے, یہ وعدے کی وجہ سے. چیزوں کی وجہ سے عزت نہیں ہوتی, وہ تو عزت کی صورت ہوتی ہے. جب وہ چیز ہٹ جاتی ہے تو عزت بھی ختم ہو جاتی ہے. کہ بھائی لوگ پہلے سلام کرتے تھے, کیوں؟ کہ وہ فلاں مرتبے پر تھے, اب کیا, اب نہیں ہے, اب کچھ نہیں ہے. تو وہ تھی نہیں سرے سے, وہ خیالی بات تھی. عزت کا تعلق, عزت کا تعلق ایمان سے ہے. اللہ نے بتایا کہ جب ایمان قائم ہوا کہ پھر ہم عزت دیں گے. اور عزت کا کیا مطلب ہے؟ لوگ سلام کریں گے کہ نہ, یہ مطلب نہیں ہے, یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ ہم کو سلام کریں, ہم لوگوں کو سلام کریں گے کیونکہ ہمارے یہاں سلام سنت ہے. بلکہ عزت کا مطلب یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے جو طریقے ہم کو دیے گئے ہیں, لوگ وہ طریقے ہم سے لیں گے, ہم سے سیکھیں گے, ہاں, اور ہم اس کو پھیلائیں گے. لوگ اپنی کامیابی سمجھ کر کے وہ طریقے ہم سے لیں گے. یہ ہے عزت کی بات. سلام کرنا نہیں, سلام تو معاشرے کا ایک عمل ہے, سنت ہے, وہ تو ہر حال میں ہوگا. چھوٹا بڑے کو سنت سلام کرے, اور گزرتا ہوا بیٹھے کو سنت سلام کرے, اور سوار جو ہے وہ پیادے کو سلام کرے, وغیرہ تو طریقے بتائے ہیں. لیکن عزت کا اصل مفہوم میرے دوستو یہ ہے کہ جب ایمان والا اپنے ایمان کے ذریعے سے عزت پائے گا, تو جو ایمانی زندگی وہ دنیا میں گزار رہا ہے اور پھیلا رہا ہے, لوگ اسے اپنی کامیابی سمجھ کر لے لیں گے اور اپنی غلط زندگیوں کو چھوڑ لیں گے. یہ ہے عزت. کہ جو باطل تھا وہ اس کے حق کی وجہ سے ختم ہوا, اور اس وجہ سے نہیں کہ زبردستی ہوئی, بلکہ لوگوں نے اپنے غلط کو, اپنے باطل کو جو ہے کامیابی سمجھ کر کے چھوڑ دیا کہ اس میں کامیابی نہیں, حق بات میں کامیابی ہے. اس کا نام عزت ہے. اور ذلت, ذلت یہ نہیں کہ آدمی غریب ہو گیا, اس کے کپڑے پرانے ہیں, اس کا مکان چھوٹا ہے, یہ ذلت نہیں ہے. ذلت یہ ہے کہ باطل کے غلط طریقے ہمیں اپنانے پڑیں گے, ہمیں چلنا پڑے گا اس پر.